ये करीब अभी भी 19 का विक्स बना हुआ है, 19% का ऊपर विक्स है। इसमें मेरे को एक का कैश का स्टॉक भी बाय करना है, वो है येस बैंक। क्या मैं उसको बाय कर सकता हूँ सर? 24 रुपये 40 पैसे का है। मैं वेट कर रहा था कोई डिप आए तो मैं कुछ ऐसे शेयर को प्लस करूँगा जहाँ पे मोमेंटम बहुत फास्ट बनेगा भविष्य में। येस बैंक डिम्पी जी, यहाँ पर हम अगर देखें तो एक जो इसका 26-27 का जोन है, काफी बड़ा रेजिस्टेंस रहा है और ऑलमोस्ट 23.5-24 एक सपोर्ट रहा है। तो मुझे लग रहा है आप जो स्ट्रेटेजी कह रहे हैं वो एक रिस्की मार्केट में एक ब्रैकेटेड यानी एक रेंज बाउंड शेयर में काम करने का कह रहे हैं सपोर्ट के नजदीक, मुझे लग रहा है एक बेहतर रणनीति होगी। तो बिल्कुल अगर कोई इसमें ट्रेड करना चाहे, आई मीन इन्वेस्ट करना चाहे, तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 23 स्पॉट क्लोजिंग क्लियरली होना चाहिए और आपका जो टारगेट होगा वो इवेंचुअली होना चाहिए करीबन 26-26.5। पर्सनली मैं ये स्टॉक को एक काफी स्ट्रगलिंग स्टॉक मानता हूँ, या अगर आप पूरे पिछले 1-1.5 साल में देखे तो जो रिटर्न्स अन्य स्टॉक्स ने दिए उसके सामने ये काफी अंडर परफॉर्मर रहा है। बट अगर स्पेसिफिक इसकी बात करें तो 23 का स्टॉप लॉस रख के स्पॉट क्लोजिंग का आप 26.5-27 के टारगेट रख सकते हैं। और डिब्बी जी का अपडेट देना चाहूंगा, जो मैंने सुबह कॉल दी थी बंधन बैंक, जब हम क्लोजिंग 212 की थी कि 204-206 के बीच में लीजिए, तो इसका अभी तक का जो लो बना है वो 205 का है, मतलब हमारे बिल्कुल रेंज में आया है और 207 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छे लेवल पे आया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक रिस्क बेस्ड एंट्री ली जा सकती है। यहीं पे 207 में आप बोल रहे, तो वहीं प्लस कर लेते हैं, 1-2 रुपया आगे पीछे देख लेंगे सर, वो तो मैनेज हो जाएगा। बोलो सर, प्लस कर लूं बंधन? जी डिम्पी जी, अपने रेंज में ही आ गया था, ये 205 का लो बना दिया था, तो 204-206 जो रेंज हमने सुबह दी थी बिल्कुल उसके बीच में ये आया हुआ है। तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी प्लस हो चुका होगा, अब सिर्फ पोजीशन 195 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस रख के इसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, 195 का एक स्टॉप लॉस लगाओ, जिनके पास नहीं आया ना तो 1 रुपये की चिंता मत करना। 207 206 भी दिख रहा है तो 207 पे भी भले पकड़ो। ये आपको प्रशांत जी बता रहे हैं क्योंकि 220 225 तक का टारगेट है बंदर। मैं फिर से बोलता हूँ, इसी तरह के मार्केट के अंदर भी आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। तेज़ी में तो हो ही हो आप सेलेक्टिव भाई, मंदी में भी, मंदी तो खैर आई भी नहीं, मंदी तो मैं गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, खुद ही बोल रहा हूँ, बट जो भी फॉल आ रहा है, जो भी शेक हो रहा है, इस शेक में भी अच्छे शेयर पकड़ लो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। अभी येस बैंक को लेकर चर्चा हुई, IEX बताया, PEL हो गया, बंधन बैंक हो गया, आप देखो मैरिको हो गया, डाबर हो गया, सन फार्मा अभी खुद आपको दिया शिवांगी शारदा ने, तो सारे ट्रेड आपको मिल रहे हैं, इन सबका फ़ायदा उठाइए, इंटरेस्टिंग प्ले आपको मिल रहा है। शेयर RBL बैंक क्या प्रशांत जी, और टूटेगा RBL बैंक? यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं क्या इसको? रजत जी, अगर हम इसको करंट लेवल पे देखें तो ये एक अहम सपोर्ट के आसपास आया है, जो सपोर्ट है करीबन 215-210। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्टिंग करना रिस्क रिवॉर्ड को जस्टिफाई नहीं करेगा। इनफैक्ट मेरी सलाह होगी कि अगर किसी के पास शॉर्ट हो तो आज का जो ऑलमोस्ट हाई है करीबन 220-222, इसके जस्ट ऊपर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 223। और यहाँ पे कोई अगर उस लेवल के ऊपर बाउंस आए तो आपके शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुक हो जाने चाहिए। यहाँ पे लॉन्ग जाने की सलाह मैं नहीं दूंगा, बट इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए।